सिल्क कपड़े के व्यवसायी मोहम्मद अफजाल के हत्यारे की घर की होगी कुर्की जब्ती। एसएसपी बाबूराम हत्याकांड मामले की समीक्षा करने नाथनगर थाना पहुंचे एसएसपी। सिल्क कपड़े के व्यवसायी मोहम्मद अफजाल को 14 सितंबर की रात अपराधियों के द्वारा सड़क के बीचों बीच गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक महीने बीत चुके हैं। इस घटना के मुख्य आरोपी मोहम्मद इरशाद हुसैन सहित चार अन्य अपराधी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी फरार है। इसी बाबत भागलपुर के एसएसपी बाबूराम ने नाथनगर थाना पहुंचकर इस कांड की समीक्षा की और कई बिंदुओं पर चर्चा की। मामले में एसएसपी ने कहा कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उनके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। इस दौरान अन्य जघन्य अपराधों की भी लगभग एक घंटे तक पड़ताल की। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं दूसरी ओर प्रशासन के सुस्त कार्यशैली से मोहम्मद अफजाल के परिजन काफी नाखुश हैं। उनका कहना है कि एक महीने बीत जाने के बावजूद भी अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, यह उनकी कार्यशैली पर सीधा सीधा सवाल खड़ा करता है। वहीं एसएसपी ने दीपावली व काली पूजा को में रखते हुए इलाके के सघन वाहन चेकिंग के निर्देश भी दिया है। साथ ही जेल से छूटकर बाहर आए अपराधियों पर भी नजर रखने की बात कही। जिले में लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी मामले पर उन्होंने बताया कि पुलिस टीम के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। साई की हत्या हुई थी, उसमें कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ अभी भी फरार चल रहे हैं। अफजाल खासकर जो मुख्य अभियुक्त है इरशाद, उसके अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उसकी समीक्षा के लिए यहाँ थाना पे हम लोगों ने आज बैठक रखी हुई है। अपराध नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई चलती रहती है। अब खासकर जैसे अभी त्यौहार हैं, काली पूजा दीपावली है, इसके लिए कई बार व्यवसायी लोग बाजार में काफ़ी सारा कैश कैरी करते हैं, लोग भी खरीदारी करने के लिए आते हैं। तो उसके लिए सभी थानों को हम लोगों ने निर्देश दिया है कि जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट हैं, अपराधी हैं जो जेल से छूटे हुए हैं, उनकी थानावार सूची अद्यतन करके उनका गतिविधि का सत्यापन करना, उनके ऊपर नज़र रखना है। शहर में गाड़ियों को रोको टोको करके चेक करना है, खासकर ट्रिपल राइडर लोग हैं, यंगस्टर लोग हैं। तो ये तमाम जो उपाय हैं किए जा रहे हैं, इसकी लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा पहले के जो केस हैं, पीछे के कुछ मर्डर केस हैं, लूट डकैती केस हैं, जिनमें कुछ अभियुक्त अभी भी फरार हैं, उन केस में कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया है। इसके लिए जो हमारी CIAT की टीम है और वज्रा की टीमें हैं, उनको भी लगाया गया है, और ASP और CTSP भी इसके लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बाइक चोरी के केस में काफ़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, अभी भी कल रात से टीम लगी हुई है, कई चोर गिरफ्तार हुए हैं और 6 से 8 बाइक भी बरामद हुई है। अभी छापेमारी जारी है, पूछताछ चल रही है, इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा कुछ बाइक के लूट केस का भी उद्भेदन हुआ है। जो वाहन चोर गिरोह पकड़ाया है, वो वाहन चोरी भी करते थे और लूट भी करते थे।